नमस्कार दोस्तों, एक बार नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप यहाँ पे पेटीएम मनी का जो डीमेट अकाउंट होता है उसको कैसे क्लोज करा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिए। अगर आप वीडियो पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कैसे आप अपने पेटीएम मनी का डीमेट अकाउंट को क्लोज कर सकते हो वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों आपको ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं करना है डीमेट अकाउंट क्लोज करने के लिए। अगर आप यूट्यूब पे कोई से वीडियो देखोगे तो काफी आपको यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिल जाएगी, बट दोस्तों इसकी ओरिजिनल प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन शॉट आप देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन पे आप देखेगा स्टाफ या साइट कहीं भी आपको स्क्रीन शॉट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको करना क्या है कि सिंपल सा दोस्तों आपको एक मेल करना होगा। मेल किस आईडी पे करना होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बस इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन शॉट पे यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक मेल सेंड करना होगा। मेल करना होगा feedback@paytmmoney.com, ये दोस्तों इनकी मेल आईडी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लिखना क्या है डिस्क्रिप्शन में वो भी मैं आपको बता दूंगा, यानी क्या लिखकर आपको मतलब मेल करना होगा। ठीक, तो सिंपल सा आपको सिंपल सा यहाँ पे एक मेल सेंड करना होगा। मेल में आपको लिखना होगा I want to close my demat account, ठीक इतना लिखना होगा I want to close my demat account, ठीक। ये लिखने के बाद आपको सिंपल से नीचे डीपी नंबर लिखना है, यानी जो डीपी आईडी होती है वो आपको अपने पेटीएम मनी डीमेट अकाउंट में मिल जाएगी। ठीक, डीपी आईडी लिखना है, और डीपी आईडी लिखने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है, यानी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर क्या है वो आपको लिखना है। और ये लिखने के बाद सिंपल से आपको मेल सेंड कर देना है। जैसे दोस्तों आप मेल सेंड कर देते हो, मेल सेंड आपको किस पे करना है, आपको करना है feedback@paytmmoney.com, ये मेल आईडी है, इनको इस पे आपको मेल कर देना है। अभी मेल करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपके पास उधर से एक मेल आएगा, जैसे कि रिस्पांस मेल जिसको बोला जाता है। हेलो देयर, यू हैव रीच आउट इन पेटीएम मनी कस्टमर सक्सेस टीम, ठीक। ये दोस्तों ऑटोमेटिक होता है, ये ऑटोमेटिक जनरेट जो मेल होती है वो आपको रिसीव होती है, ठीक। अभी दोस्तों आपको अभी मतलब कि इसके बाद की क्या प्रोसेस है, देखो आपने मेल सेंड कर दिया, अभी आपके दोस्तों रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो भी आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके पेटीएम मनी पर, आपने रिक्वेस्ट तो डाल दिया। उसके बाद दोस्तों आपके 24 घंटे बाद या फिर एक मतलब 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद आपके पास एक कॉल आएगा। कॉल में आपसे पूछा जाएगा कि आपको पेटीएम मनी डीमेट अकाउंट करने की आपने प्रोसेस की थी, यानी आपने रिक्वेस्ट की थी, तो क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों आपको अकाउंट क्लोज करवाना है। अकाउंट क्लोज करने का आपको कोई रीज़न देना होगा कि किस वजह से दोस्तों आपको अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं, तो उसमें आप बोल सकते हैं आपका जो भी रीज़न है। वैसे तो आपका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पास पैसा नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, इसलिए आप डीमेट अकाउंट बंद करना चाहते हैं। देखो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पेटीएम मनी में आप जब भी अकाउंट बनाते हो इसमें आपको कोई चार्जेस मतलब कि शायद 12 रुपये या 18 रुपये आपको या 35 रुपये के समथिंग मंथली का चार्जेस रहता है डीमेट अकाउंट में, है ना, पेटीएम मनी का। तो आपसे वो बोला जाएगा कि क्यों क्या प्रॉब्लम है आपको जिसकी वजह से आपको डीमेट अकाउंट क्लोज करवाना है। तो आप यहाँ पे पक्का यहाँ पे रीज़न दीजिएगा कि आप ये भी दे सकते हैं कि मतलब कि मुझे मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए आप मतलब कि बंद करना चाहते हैं अपने अकाउंट को, ठीक। तो ये दे सकते हैं, आपसे पूछा, या आप ये बोल सकते हैं, अगर आप ये बोलोगे ना कि मैंने रेफरल के लिए किया था, अगर आपने रेफर के लिए ये किया हुआ था तो आप ये बोल सकते हैं कि मैंने रेफर के लिए किया था बट यहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं, तो चार्जेस अगर आपको हटवाना है तो चार्जेस भी आप हटा सकते हैं, मतलब कि चार्जेस वो हटाने की आपसे बोल सकते हैं। आप ये बोल दीजिएगा ये चार्जेस लग रहे हैं ना ये मुझे हटाना है, भले ही आप मेरा डीमेट अकाउंट बंद मत कीजिएगा। तो अगर आप डीमेट अकाउंट नहीं बंद करवाना चाहते, अपने जो चार्जेस हैं आपका जो मंथली का चार्जेस लगता है वो अगर आप दोस्तों यहाँ पे हटाना चाहते हो तो वो भी हट सकता है। उसके लिए वो करेंगे क्या कि उसके लिए दोस्तों आपका जो पेटीएम मनी डीमेट अकाउंट है ना उसे मिनी अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए आपको कोई प्रोसेस नहीं करनी होगी, केवल जो कस्टमर केयर का आपके पास कॉल आएगा ना वो कॉल आपको रिसीव करना है, आपको बोलना है, वो आपसे पूछेंगे मतलब कि क्यों क्लोज करना चाहते हो। अगर आपको क्लोज ही करवाना है तो आप बोल दीजिएगा मेरे पास पैसे नहीं है मैं ट्रेडिंग करने के लिए इसलिए मैं क्लोज करवाना चाहता हूँ, बस इतना बोलेंगे। उसके बाद दोस्त शायद आपको एक मेल सेंड की जाएगी, उसमें एक फॉर्म वगैरह होगा वो आपको फिलअप करके सेंड कर देना है, ठीक। जो भी यहाँ पे मैंने खुद यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी, बट दोस्तों मैंने रिक्वेस्ट करने के बाद केवल मैंने जो चार्जेस है वो ही हटवाया, अभी मेरा कोई भी मंथली का चार्जेस नहीं लगता क्योंकि मेरा जो डीमेट अकाउंट है वो मिनी डीमेट अकाउंट में क्लोज हो गया है। मिनी डीमेट अकाउंट में क्लोज मतलब कि हो जाता है कन्वर्ट, तो दोस्तों आपको सिंपल सा कोई भी चार्जेस नहीं देना होता, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बस आप रेफर नहीं कर सकते, रेफर का प्रोग्राम उसमें से हट जाता है। आप जब भी रेफर का प्रोग्राम आता है आप रेफर करने के लिए आपने
कस्टमर कह रहा मतलब कि रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मेरा मिनी से मेरा मतलब कि मैन में कन्वर्ट हो जाए, तो वो आपका मैन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके चार्जेस भी स्टार्ट हो जाएंगे और आप यहाँ पर रेफर भी कर पाओगे। ठीक, तो अगर आप क्लोज ही करवाना है तो मैंने आपको बता दिया, आप सिंपल सा मेल सेंड कीजिएगा, कॉल आएगा तो कॉल पे बोलिए मुझे यहाँ पे इस वजह से मतलब करवाना है कि मेरे पास कोई भी फंड वगैरह नहीं है ट्रेड करने के लिए। ठीक, या अगर आपको चार्जेस हटाना है तो चार्जेस की बोल सकते हैं कि सर ये मंथली का चार्जेस लग रहा है ये मुझे हटवाना है, तो वो क्या करेंगे कि आपका दोस्तों मिनिमम कन्वर्ट कर देंगे जिससे आपका चार्जेस नहीं लगेगा, बस आपका डीमैट अकाउंट रहेगा, ट्रेडिंग कर पाएंगे, आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक, तो ये थी पूरी प्रोसेस दोस्तों कन्वर्ट करने की, दोस्तों कैसे आप मेन अकाउंट से मतलब कि मिनी में कन्वर्ट करा सकते हैं या क्लोज करा सकते हैं। तो यही सिंपल सी प्रोसेस होती है, ज़्यादा कोई हवा नहीं होता है कि आपको सिंपल से ये करना है वो करना है फलाना ढकाना, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं होती है। आपको मैंने जो बताया बस ये कीजिए, आपके पास कॉल आएगा, सही इन्फॉर्मेशन उनको दीजिएगा किस रीज़न से आप अपने अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हो। ठीक, तो आई होप आप ये इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको डीमैट अकाउंट क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम इशू आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया उस पर क्लिक करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट हो, कोई भी कुछ होता है तो सिंपल मैं स्टोरी पर अपडेट कर देता हूँ, या दोस्तों आप मुझसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, या दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे मतलब कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, कोई भी लूट ऑफर वर्क जो भी कुछ होता है ना सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं, तो जाओ और जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जिससे आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कोई भी प्रॉब्लम इशू है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, उस पर मैं एक्शन लूंगा। ठीक, यानी अगर आपका अकाउंट क्लोज नहीं होता तो उसमें डेडिकेटेड मैं वीडियो बना दूंगा कि मतलब कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उस पर। ठीक, तो जाओ जल्दी से वीडियो मतलब कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।